आज की वीडियो का थोड़ा साउंड गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया जो मैंने अभी देखा, तो मुझे डायरेक्ट ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो एक सवाल आया था मेरे पास कि आपको, वो ये पूछ रहे थे, पेंटर भाई थे, वो पूछ रहे थे कि इपोक्सी कैसा होता है, हमें दिखाएं, और इपोक्सी को एमडीएफ पर लगाना क्यों जरूरी होता है। मैंने पिछली एक वीडियो में बताया कि एमडीएफ पर वो इपोक्सी क्यों लगाया जाता है। इपोक्सी लगाने का पर्पज सिर्फ इतना होता है कि जो अंदर का लकड़ी का ऑयल है वो बाहर ना आए, और आपको उसका जो पीलापन है, पीलापन बाहर ना आए जिससे कि पेंट खराब ना हो और आपको अच्छी फिनिशिंग मिले। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा होता है इपोक्सी की पैकिंग। आधा लीटर की पैकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इपोक्सी का हार्डनर है, ये हार्डनर आधा हाफ लीटर के लिए, मतलब 1 लीटर के लिए हाफ लीटर ये होता है 500 ग्राम, और 500 ग्राम इपोक्सी होता है। ये 500 ml इपोक्सी है, ये देखिए, यहाँ ये रेजिन और ये इधर इपोक्सी लिखा है, ये इपोक्सी है, इस तरह का आता है। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है मिक्स करके। कंपनी कहती है कि 50% का रेशो मिला लें, लेकिन ये मौसम के अकॉर्डिंग इसको मिलाया जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर जैसे हमने इपोक्सी ज्यादा डाल दिया या हार्डनर ज्यादा डाल दिया, तो वो थोड़ा मौसम के हिसाब से बदलता है। कभी ज्यादातर वैसे हार्डनर को हमें कम रखना चाहिए। कम रखने का बेनिफिट ये होता है, सूखता तो थोड़ी देर से है, लेकिन अगर हार्डनर हल्का थोड़ा कम ही रखेंगे तो उसमें जो दाना बनता है, दाना बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। एक सवाल था कि एमडीएफ पर कच्चा सीलर लगा सकते हैं क्या। देखिए, कच्चा सीलर आप लगा सकते हैं, वेम्बली वगैरह का जो आता है उसमें कोई लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि इपोक्सी का जो पर्पज है, इपोक्सी का पर्पज है कि लकड़ी के ऑयल को या एमडीएफ के ऑयल को रोक लेना, एक लेयर बना देना पेंट और एमडीएफ के बीच में, उससे जो एमडीएफ का या लकड़ी का जो ऑयल होगा वो बाहर नहीं आएगा और उस पे आपकी पेंटिंग पर धब्बे नहीं पड़ेंगे। ये पर्पज होता है इपोक्सी को लगाने का। कच्चा सीलर आप लगा देंगे तो वो उसके बाद फिर आप पीयू करेंगे तो वो रिएक्ट भी कर सकता है, तो फट जाएगा या कुछ भी हो सकता है अगर आप कच्चा सीलर नीचे लगाते हैं तो। वैसे जनरली मैंने देखा है बहुत सारे लोग लगाते हैं, काम होता भी है उनका, वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि वो फट नहीं रहा है या खराब नहीं हो रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही रहेगा कि अगर लकड़ी में कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो उसमें पीलापन आ सकता है, धब्बे आ सकते हैं, फिर हो सकता है आपको पूरा दोबारा करना पड़े। लेकिन मैंने किसी को ऐसे तो नहीं देखा कि वो कोई दोबारा कर रहा है उसको, और बहुत सारे लोगों को मैंने यूज करते हुए देखा है, वो नीचे वेम्बले का सीलर लगाते हैं। हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोग काम भी अच्छे रेट में लेते हैं। हम अगर बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं क्लाइंट या जिसका भी हम काम करते हैं, बिल्डर वगैरह का, तो हम उनका फिर काम नहीं करते हैं, हम अपने रेट पे ही काम करते हैं, और हम इपोक्सी ही लगाते हैं, और बाकी भी सारा प्रोडक्ट हम ओरिजिनल ही मतलब यूज करते हैं, उसमें कोई मिक्सिंग वगैरह इस तरह की चीज नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए आप भी कि अच्छे रेट पर काम कीजिए, और अच्छे रेट पर काम करेंगे तो आपको काम भी करने में भी मजा आएगा और आपको कुछ बचत भी होगी। और अगर कम रेट में आप काम ले लेंगे और बचे कुछ ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप अच्छे रेट में ही काम कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। पॉलिश का खर्चा पहले भी मैंने बताया है, पीयू पॉलिश का खर्चे का ये है कि देखिए, जो हम लोग, मैं मतलब जनरली जो उसका रेट होना चाहिए, आप क्लाइंट से जो चार्ज करेंगे वो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट होना चाहिए स्टैंडर्ड कलर में, और कोई कलर महंगा मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वेरिएशन, आप उनको बता दीजिए कि वेरिएशन आएगा अगर आप कलर कराएंगे। कई बार क्या होता है कि एक ही डोर पर या एक ही पैनल पर क्लाइंट ना दो वो कराता है, मतलब कि दो कलर करा लेता है, कि आधा इधर कुछ और कलर, इधर कुछ और कलर, तो आपको कलर जो खरीदना पड़ेगा वो 1 लीटर से कम मिलेगा नहीं। आप खरीदेंगे अगर वो कुछ ऐसा कलर होगा कि मान लीजिए आपको मिल रहा है कि वो 1300 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है या 1500 रुपये का मिल रहा है, तो फिर उसमें वो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए आप क्लाइंट को बता के चलिए कि कलर का, अगर कलर आप डिफरेंट कराएंगे तो वो वेरिएशन जो आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। किसी ने पूछा था कुछ टाइम बाद व्हाइट पेंट येलो क्यों पड़ जाता है। व्हाइट पेंट का येलो पड़ने का, वो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी भी कंपनी का लगा लीजिए आप, ये जो व्हाइट कलर होगा वो कुछ दिन बाद येलो पड़ जाएगा अगर आप उसके ऊपर क्लियर मारते हैं तो। और व्हाइट पेंट करते हैं तो वो भी हल्का फुल्का पड़ता है, लेकिन अगर आप व्हाइट पेंट करने के बाद, आप व्हाइट पेंट कर दीजिए उसके बाद आप एक्रिलिक कर दीजिए उसके ऊपर। एक्रिलिक थोड़ा महंगा, तो थोड़ा क्या बहुत महंगा आता है, 1700-1800 रुपये पर स्क्वायर, सॉरी 1700-1800 रुपये लीटर आता है वो, तो वो महंगा तो आता है। अगर आप उसको क्लाइंट से बात कीजिए, अगर वो चाहता है कि पीला ना पड़े तो आप एक्रिलिक कीजिए, एक्रिलिक पीला नहीं पड़ेगा, वो 3-4 साल तो निकाल देगा कम से कम, उसके बाद भी आप उसकी बफिंग करके, सैंडिंग करके दोबारा से बफिंग कर दीजिए, फिर नया हो जाएगा। 1 या 2 बार तो पीयू को हम अपडेट कर ही सकते हैं। ड्यूको पेंट लोहे पे बिल्कुल हो सकता है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप सीलर लगा के उस पर सैंडिंग करके सीलर लगा दीजिए, सीलर लगा बेस कोट, मतलब बेस कोट डालने के बाद फिर आप उसके ऊपर टॉप कोट कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हल्की सैंडिंग करके फिर उसकी बफिंग में आप लोहे पे करेंगे तो वो अगमाली, आप एंगल का कोई डोर है उसके ऊपर आप कर रहे हैं तो उसपे बफिंग का तो कोई वो नहीं है, और वैसे भी वो ग्लोसी नहीं होता है। आपने शायद ग्लोसी पूछा था, तो ग्लोसी तो वो नहीं होता है, वो सेमी मैट होता है। आप उसके अंदर कुछ केमिकल डाल सकते हैं, डालते हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, आपको पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा उसमें क्या डालेंगे आपके, उससे वो उसमें ग्लोसी आ जाएगी। और अगर आपको हाई ग्लोस करना है तो आप पीयू कर लीजिए उसके ऊपर। दरवाजे लकड़ी पर जंग लग जाता है, उसपे पीयू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, जब नई है या अगर पुरानी भी है तो आप उस पर अच्छे से सैंडिंग कर लीजिए, उसका उसको सुखा लीजिए, सूखने के बाद आप उस पर पीयू कर दीजिए। अगर उसमें कोई मान लिया जंग वगैरह पहले लगता था तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि पीयू तो वाटर प्रूफ होता है, मगर यह है कि आपको फिर भी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। जब वो लकड़ी सूख जाए, चौखट की हो या किसी भी दरवाजे की भी हो, कुछ भी हो, अगर वो गीली है, उस पर जंग लग रहा है, या जंग मतलब कि वो सीपेज उस पर आई हुई है और लोहे का है, उस पर जंग लग रहा है, तो आप जंग को अच्छे से साफ कर लीजिए, फिर उसे थिनर से साफ करके उसके ऊपर अच्छे से बेस कोट डालिए। बेस कोट एक ही डालिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा भराई की जरूरत तो होती नहीं है। बेस कोट डालने के बाद आप उस पर टॉप कोट डाल दीजिए, हल्की सैंडिंग कीजिए बड़े रेगमाल से, और सैंडिंग करने के बाद उस पर टॉप कोट डाल दीजिए। टॉप कोट डालेंगे तो उसके बाद सैंडिंग अगर आप ना करें तो अच्छा है, अगर छोटी जगह है तो। अगर आप ऐसी जगह है कि जहां पर आप बफिंग कर सकते हैं तो फिर वहां आप पर आप सैंडिंग करके बफिंग कर दीजिए। और जैसे छोटी जगह होती है, कॉर्नर्स होते हैं, या बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां आप बफिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से अगर आप बफिंग करेंगे उसमें मजा नहीं आने वाला। बफिंग हमेशा मशीन से जो की जाती है ना उसमें ही मजा आता है, हाथ वाली बफिंग में मजा नहीं आता, आप कितना भी उसको रगड़ेंगे नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसी जगह जहां पर बफिंग नहीं कर सकते मशीन के द्वारा, वहां पर आप सिर्फ हाथ से ही उस पर टॉप को डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, दैट्स इट। कोशिश कीजिए कि लास्ट कोट में कोशिश कीजिए कि लास्ट कोट में डस्ट ना आए, क्योंकि बफिंग तो हम डस्ट की वजह से करते हैं ना। अगर डस्ट नहीं आया या आए तो बहुत हल्का फुल्का सा कम थोड़ा बहुत आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो इतना नजर भी नहीं आएगा दूर से, या छोटी जगह पे तो नजर भी नहीं आता, जहां पर कॉर्नर्स वगैरह होते हैं वहां इतना नजर नहीं आता। तो आप उस पर टॉप को डालने के बाद बफिंग करने की नीड आपको ना पड़े, ऐसे इस तरह से करिए। नीचे पानी डाल लीजिए जमीन में, और धूल मिट्टी वाली जगह पर मत कीजिए, ऐसी जगह रख लीजिए जहां पर धूल मिट्टी ना हो। हाँ, एक किसी ने मुझे कहा था कि आप पूरी वीडियो आप मुझे बना के दिखाइए कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है पीयू पॉलिश का, पूरा शुरू से लेके एमडीएफ, मतलब कि एमडीएफ से लेके फिर उस पर इपॉक्सी और फिर बेस कोट और ये सारी चीजें, तो वो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। बहुत एक्चुअली क्या है कि अभी इस चैनल पर इतनी ऑडियंस भी नहीं है, इतने लोग इसको देखते भी नहीं है, तो इसलिए इसमें और वो पूरी प्रोसेस की वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है, तो मैं बनाऊंगा जल्दी, बहुत जल्दी मैं उसको लेके आ रहा हूँ वो वीडियो। उससे पहले मैं एक पॉलिस्टर की एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरी पूरा प्रोसेस आपको दिखा दूंगा करने के लिए कि पीयू पॉलिस्टर कैसे होता है एमडीएफ पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड्स।